झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। एससी एसटी समाज के लोगों द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर झुंझुनू जिले में मिला जुला दिखा। हालांकि झुंझुनू जिले में भारत बंद सफल नहीं कहा जा सकता, जहां बंद सफल नहीं रहा तो वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसने इस पूरे आंदोलन पर ही सवाल उठा दिए। आंदोलन की आठवीं चिड़ाव में दुकानें लूटने का मामला सामने आया है। मामला इतना बढ़ गया कि चिड़ाव के व्यापार मंडल को चिड़ावा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत देनी पड़ी। पूरा मामला ये है कि व्यापारी सावरमल तोला की दुकान पर लूटपाट कर दी और आंदोलनकारी युवाओं ने दुकान से लाखों रुपए का सामान फेंक दिया। यही नहीं, इसके बाद एक और दुकान पर भी ऐसी ही घटना को दोहराया गया। मुख्य बाजार में हुई इस घटना के बाद हंगामा हो गया और सैकड़ों व्यापारी थाने में लूटपाट की शिकायत करने पहुंचे। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। अब इस पूरे मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई है। आंदोलन की दूसरी तस्वीर नवलगढ़ से आई, यहां भी बंद का असर देखने को मिला। नवलगढ़ चूना चौक से सैकड़ों आंदोलनकारियों ने रैली के रूप में पहुंचकर प्रतिष्ठान बंद करवाए। वरिष्ठ बसपा नेता सुभाष बुनकर के नेतृत्व में बंद के आह्वान का समाज के सभी वर्ग ने सहयोग दिया। पार्षद प्रतिनिधि राकेश दायमा ने बंद को सफल बताया, साथ ही सभी व्यापारियों का आभार भी जताया। इसके बाद अंबेडकर पार्क से चूना चौक मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर रैली का समापन हुआ। आगे देखिए नवलगढ़ बंद की ड्रोन से ली गई तस्वीरें। आंदोलन की तीसरी तस्वीर झुंझुनू से आई। भारत बंद के आह्वान पर झुंझुनू जिले में बंद का इतना असर देखने को नहीं मिला। आंदोलनकारियों ने रैली के रूप में प्रतिष्ठान बंद करवाने के लिए अलग अलग ग्रुप में पहुंचे तथा प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। आंदोलन की चौथी तस्वीर खेतड़ी से निकल रही है। एससी व एसटी की रैली ने मुख्य बाजार में आते ही उग्र रूप ले लिया। रैली में शामिल हजारों की भीड़ ने दर्जनों दुकानों का सामान बाहर फेंक दिया और भीम सेना ने बाजार में दुकानों पर जमकर लूटपाट की। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस लाचार दिखाई दी। भीड़ में हजारों महिलाएं व युवा शामिल हैं। रैली में पहले ही उपद्रव की घटना को देखकर पुलिस जाप्ता लगा दिया था, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से पुलिस रैली को काबू में नहीं कर पाई और रैली ने बाजार में उत्पात मचा दिया
उत्पात मचाने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों व पुलिस की आपस में झड़प हो गई। झड़प होने के बाद भी पुलिस नाकाम रही और युवा लाठियों के सारे कस्बे में रैली निकालते रहे। जब दुकानदारों के साथ लूटपाट व हाथापाई होने पर व्यापारी वर्ग आक्रोशित हो गया और बाजार को बंद कर आकस्मिक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक की सूचना मिलने पर रैली ने वापस बाजार की तरफ रुख कर दिया और लाठियां लेकर पुनः बाजार में पहुंच गए। भयभीत दुकानदार बैठक को छोड़कर भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की नाकामी साफ दिखाई दी। SC ST एक्ट को लेकर दलित समुदाय के भारत बंद को लेकर कस्बे में तहसील के पास पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के दो भाइयों व कुछ समर्थकों ने उपद्रव मचाया। मौन जुलूस के दौरान वे दुकानों के बाहर रखा सामान फेंकने लगे। विधायक सुकरण चौधरी के पोस्टर भी फाड़ने लग गए। मामला बढ़ते देख पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान उपद्रवी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। इससे पहले कस्बे के 7 बत्ती बाजार से मुख्य बाजार पुलिस थाने घूमचक्कर 3 नंबर चुंगी होते हुए तहसील कार्यालय तक रैली निकाली गई। शांतिपूर्वक निकाली जा रही रैली के दौरान दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।